अस्सलामुअलैकुम। ली शैटलियर प्रिंसिपल या इसको ली स्टेलियर प्रिंसिपल भी कहते हैं या चैटलियर प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है इसकी। हम इसको सिर्फ और सिर्फ देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि पास्ट पेपर में इसमें किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल बात याद रखिएगा, इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा इसकी स्टेटमेंट आ चुकी है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो, बाद में इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। सही, स्टेटमेंट इसकी पास्ट पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुकी है। याद रखिएगा, जो भी प्रिंसिपल या लॉ होता है ना, वो पेपर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सही, अब इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है, इफ़ आ स्ट्रेस इज अप्लाइड, इफ़ आ स्ट्रेस इज अप्लाइड, अगर हम किसी भी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस को अप्लाई करें, स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर एट इक्विलिब्रियम पर, द सिस्टम, जो सिस्टम आपका होगा, द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे, इन सच अ वे, आपका सिस्टम इस तरह कुछ अमल करेगा, इन सच अ वे टू नलीफाई द स्ट्रेस, या इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कर लो, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, जो आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाई है उसके इफेक्ट को कम से कम कर देगा। नलीफाई को होता है ख़त्म कर देना, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, आगे कॉमा डाल के लिख लो, एज फार एज पॉसिबल, जितना उससे मुमकिन हो सकता है, एज फार एज पॉसिबल, जितना उस सिस्टम से पॉसिबल होगा ये काम कर देगा। क्या मतलब इस चीज़ का, मतलब समझिएगा, मेन चीज़ हमारे पास मतलब होता है। अब कहते हैं जी मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ इस तरह के होते हैं, मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल फिजिकल तरीके से दे देता हूँ। ये मेरे पास ना दो टैंक हैं, इन दो टैंक को मैंने एक पाइप के जरिए से आपस में जोड़ रखा है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन इसी तरह के होते हैं ना, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा फिर पीछे रिएक्टेंट में आ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब अगर मैं पानी यहाँ पर डालूँ तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, अगर मैं पानी यहाँ पर डाल दूँ तो ये पानी पीछे की तरफ मूव करेगा। एक वक्त आएगा, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पर पानी डालता हूँ, पानी डालने के बाद मेरे पास यहाँ पर पानी का लेवल उस टैंक में और इस टैंक में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब इस हालत को मैं इक्विलिब्रियम की हालत कहता हूँ। क्या नाम देता हूँ इस हालत को, इक्विलिब्रियम की हालत का नाम देता हूँ। सही है, अब देखो, अगर मैं कोई चीज़ प्रोडक्ट वाली साइड पर डालूँ, देखो मैं अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट वाली साइड पर डालता हूँ तो कहता है आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से अमल करता है कि जो चीज़ आप बेशक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट वाली साइड पर डाल रहे हो वो इस इफेक्ट को कम से कम कर देगा। मसलन अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड पर इतनी चीज़ डालता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है पानी आपका सारे का सारा इतना ही रहेगा, ये क्या करेगा, पानी इस साइड की तरफ मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद आपका पानी यहाँ पे कुछ पहुँच जाएगा और यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा, यानी कि पानी इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करेगा। देखो हमने यही स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं है, यानी कि आप कोई भी चीज़ चेंज करो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करता है कि वो जो इफेक्ट आपने चेंजिंग तब्दीली लाई है उसको कम से कम कर देगा, उस तब्दीली को क्या करेगा, कम से कम कर देगा। ये हमारे पास ली स्टेलियर प्रिंसिपल है। सेम इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हो रहा होता है। सही है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन देखो यही होता है ना, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट। अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो आपका रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट वाली साइड पे कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो रिएक्शन आपका आगे की तरफ जाएगा। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। सही, यही हमारे पास इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब आगे दो लाइनें और लिख लो, ली स्टेलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन, ली स्टेलियर प्रिंसिपल, ली स्टेलियर प्रिंसिपल किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सप्लेन, इसने वजाहत की, किन चीज़ों की वजाहत की, सबसे पहले नंबर पे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन की। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को चेंज करने से क्या चीज़ चेंज आती है। इसके बाद है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन की थी ली स्टेलियर ने। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे हम चेंज कर देते हैं तो रिएक्शन किस तरह अपने आप को एडजस्ट करेगा, और इसका इफेक्ट, बेशक आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज करने का इफेक्ट कम से कम कर दे, इस चीज़ को याद किया हमारे पास ली स्टेलियर। आपने सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है।